हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्राइडे इवनिंग है और आज ना ऑफिस से हमारी जल्दी छुट्टी होगी क्योंकि संडे को मदर्स डे है ना, तो इसी खुशी में सीईओ का ईमेल आ गया कि आप लोग दुकान जल्दी बंद कर सकते हो। तो मोस्टली इस तरह के लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं या फिर कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो आ जाता है, 3:30 बजे आ जाता है कि आप अपना जल्दी जल्दी काम खत्म करो और निकलो। तो आज मैंने बहुत सारी लॉन्ड्री करी है, विंटर्स के सारे जैकेट्स मैंने धो डाले हैं, कुछ ब्लैंकेट्स अभी भी धोए हैं, उधर ड्राई भी हो रहा है, ये शूज वाला सेक्शन ठीक किया, लॉन्ड्री थोड़ा सा अरेंज किया है मैंने, साफ साफ लग रहा है, नहीं तो बहुत ज्यादा फैल गया था। और मुझे ना एक काम करना है, ये वाला जो नीचे का बेसमेंट वाला वॉशरूम है ना, ये तो हम यूज नहीं करते थे, लाइक मैं और बच्चे यूज नहीं करते थे, ये अनुजी यूज करते थे, तो इसलिए मैं कभी इसको देखती नहीं थी, कभी कभी साफ कर देती थी, मोस्टली अनुज कर लेता था, बट कभी कभी मैं डीप क्लीनिंग कर देती थी, बट इसको मैंने कोई ऑर्गेनाइज या डेकोरेट कुछ भी नहीं किया था। और आप लोगों को पता है मेरा डेकोरेशन का कीड़ा, तो अब मुझे एवरीडे वाला वॉशरूम यूज करना है, तो मुझे अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज और थोड़ा बहुत सजाना भी है ताकि सुबह सुबह उठ के आप वॉशरूम में आओ तो अच्छा लगना चाहिए ना, है ना। तो छोटी छोटी चीजें ली हैं मैंने वॉशरूम के लिए, जो चीजें जरूरत होती हैं वही वाली। और ये बच्चा पार्टी यहाँ पे कुछ ड्राइंग कर रहा है, ये शायद दिखाओ अभी उसने एक पोकेमोन, कौन सा पोकेमोन है ये, लुकारियो, यूकारियो, नुकारियो, पता नहीं क्या, लुकारियो, ये वाला पिक्चर कलर किया है। तो यही सब चल रहा है इनका, ड्रॉइंग पेन फैले हुए हैं। तो वॉलमार्ट से मैंने ये वाला सोप के लिए लिया है और मैचिंग मैचिंग ये ब्रशेज एंड ऑल रखने के लिए, और इसके साथ है ये वाला ट्रे ऐसा वाला, तो इसके ऊपर ऐसे और ऐसे और इसी से थोड़ा बहुत मैचिंग करके ये जो छोटे वाला टॉवल होता है ना वो है ये। तो वॉलमार्ट में ये सारी चीजें आपको काफी अफोर्डेबल रेट्स में मिल जाती है, वैसे विनर्स में भी अच्छा होता है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, वहां पे भी अच्छे रेट्स में मिल जाते हैं। और ये है कैंडल वार्मर, ये मैं ऊपर वाले वॉशरूम के लिए भी लाई थी, इसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडल्स आते हैं छोटे छोटे स्क्वायर रेक्टेंगल पीसेस में, तो वो तो ऑलरेडी है ही मेरे पास, तो प्लग पॉइंट होता है ये और यहाँ पे आप वो कैंडल्स रख दो, सेंटर्ड कैंडल्स, और इसके अंदर ना एक छोटा सा बल्ब होता है, तो बेसिकली बल्ब से ये चीज हीट होती है, कैंडल हल्का सा मेल्ट होता है और फिर उससे खुशबू आती है, तो कैंडल जलाने की भी जरूरत नहीं है, सेफ्टी भी रहता है ये, और यहाँ से स्विच ऑन ऑफ बटन, और ये देखने में भी सुंदर लगता है, तो एक चीज से काफी सारे काम हो जाते हैं। तो ये हो गया। डॉलर स्टोर से 3 फ्रेम्स लिए हैं मैंने, वही वाले फ्रेम्स है जो मैं पहले भी यूज करती हूँ, लिविंग रूम में भी मैंने यही वाले डॉलर स्टोर वाले ही फ्रेम्स यूज किए हुए हैं, काफी अफोर्डेबल होता है और आराम से चलता है, कोई टूटने वूटने की टेंशन नहीं होती। और प्रिंट अगेन वही कैनवास से डिजाइन किया था, ब्रीद, सोक, रिलैक्स, अच्छा है ना, सुबह स्पोर्ट की ग्रीनरी देखने को मिलेगी। तो इन सारों को लगाते हैं फ्रेम में और फिर देखते हैं कि वॉशरूम में कहाँ पे लगाया जा सकता है। और कैनवा के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं उस पर कैसे डिजाइन करती हूँ ये दिखाऊं, बट ऑनेस्टली यूट्यूब पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप अच्छे से सीख सकते हो कि कैनवा में कैसे डिजाइनिंग की जाती है, और मेरे पास उसका पेड वर्जन है, बट फ्री वर्जन में भी आप ऐसे सिंपल वाले पोस्टर्स बना ही सकते हो, जैसे ये पिक्चर मिल गया आपको बैकग्राउंड के लिए और ऊपर बस आपको टेक्स्ट लिखना है। हो गया हमारे फ्रेम्स रेडी, थोड़ा सा पिक्चर को मुझे कट करना पड़ा फ्रेम के साइज के अकॉर्डिंग, तो येशा को मिल गए हैं 3-3 बुकमार्क्स, है ना येशा? ये वाले ये वाले फ्रेम्स ना स्टैंड वाले होते हैं इस तरह के, पर जब भी मुझे वॉल पे लगाना होता है ना मैं पीछे से इसको हटा देती हूँ, तो डॉलर स्टोर की क्वालिटी उतनी अमेजिंग नहीं होती, तो इसको हटाना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि इसके साथ अगर लगाओ ना वॉल पे तो ये थोड़ा वो उठे हुए रहते हैं, अच्छे से वॉल पे चिपकते नहीं। छोटे वाले नेल्स या पुशपिंस यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे ये वाली चीज होती है ना इस पे हैंग हो जाता है, तो ये वाला बाथरूम अभी कुछ ऐसा सा लगता है, हेलो हेलो, और यहाँ पे सिर्फ एक बैग रखा हुआ है, इसमें अनुज अपना शेविंग का सामान रखते हैं, और इसमें बाथटब नहीं है, ये शार वाला एरिया है,
इसको क्लीन करना मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बट डेली डेली कर लो तो फिर इजी हो जाता है। और यहाँ पे है ये वाला वॉल खाली और यहाँ पे टंगे हुए हैं कुछ कपड़े, और जब के शैतानी करता है तो उसको हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं। खुद से जाके बंद हो गया। इस वाले बाथरूम में कोई ड्रॉअर नहीं है, बस नीचे सिंक वाला एरिया है और यहाँ पे कुछ रैक्स लगे हुए हैं। मेरे पास ये वाला रैक रखा हुआ था लास्ट घर में, मैं इसको किचन में यूज करती थी कप्स एंड ऑल रखने के लिए, बट अभी किचन में ये यूज नहीं होता है तो मैं इसको यूज करने वाली हूँ। वैसे अमेजोन पे सिंक एरिया ऑर्गेनाइजर आता है, ऊपर वाले बाथरूम में हमने वही यूज किया हुआ है। ट्रे अच्छे से एडजस्ट हो गया है, इनफैक्ट ऊपर वाले एरिया पे एक और बास्केट रख सकते हैं। ये है क्लीनिंग वाला बास्केट, उधर हैंड सोप का कंटेनर रखा हुआ है, क्लीनिंग वाइप्स, डिसइंफेक्टेड क्लीनिंग वाला जो पानी मैं बनाती हूँ घर पे वो वाला लिक्विड, एक स्क्रबर, और इसमें है थोड़ा सा बेकिंग सोडा, क्लीनिंग ग्लव्स, पुराना टूथब्रश। आई एम श्योर बहुत सारे लोग क्लीनिंग के लिए पुराने टूथब्रश यूज करते होंगे और एक्चुअली वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। मुझे जरूर बताना कि कौन कौन यूज करता है। इस तरह का क्लीनिंग बास्केट मैं दोनों बाथरूम में रखती हूँ, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि आप वॉशरूम यूज करते हो, आपको दिखता है कि गंदा है, करना है क्लीन, बट प्रोडक्ट्स आपके हाथ के पास में नहीं है, तो उस टाइम टल जाता है काम और फिर बाद में और भी ज्यादा गंदा हो जाता है। तो थोड़ा सा ही गंदा है वॉशरूम और डे टू डे बेसिस पे अगर हम क्लीनिंग करते रहे और वॉशरूम में ही अगर क्लीनिंग प्रोडक्ट है तो काफी ज्यादा इजी हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन तो डन हो गया है। इस वाले ड्रॉअर में मैंने डेली यूज के जो रबर बैंड्स, क्लिप्स और थोड़े बहुत जो मेकअप के प्रोडक्ट्स जो मैं यूज करती हूँ एवरीडे बेसिस पे, काजल हो गया, आईब्रो पेंसिल, लिपस्टिक, वो सारी चीजें रखी हैं। और बिल्कुल हाथ के सामने ओले का क्रीम, मॉइस्चराइजर क्रीम, और ये वाला मैं यूज करती हूँ सनस्क्रीन, ऑस्ट्रेलियन गोल्ड, और परफ्यूम कभी कभी लगा लेती हूँ मैं, ये बहुत पुराना है कैल्विन क्लाइन का इटर्निटी, और एक छोटा सा मनी प्लांट बाथरूम में रखने के लिए भी स्पेशली काफी सारे इंडोर प्लांट्स होते हैं, उनमें से एक है मनी प्लांट, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा धूप की जरूरत नहीं पड़ती है और बाथरूम में उनको मॉइस्चर भी मिलता है तो वो अच्छे हरे हरे रहते हैं। सेरावी का ये वाला फेस वॉश मैं यूज करती हूँ, कोकोनट ऑयल, बहुत ही जरूरी चीज है, ये हर एक वॉशरूम में होता है, और ये है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का एक मॉइस्चराइजर क्रीम जो कि मैं बहुत ज्यादा तो यूज नहीं करती हूँ, बट इसका बॉटल बड़ा ही सुंदर है तो इसलिए मैंने रख दिया है। और इस वाले बास्केट में है बॉडी शॉप का एलोवेरा जेल, बोरोलीन, बोरोप्लस, एक और फोम एक्स्ट्रा, और ये है नाइट क्रीम ओले का। फ्रेम्स को लेके मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि कहाँ लगाऊं। एक स्पेस है ये वाला, बट ऑलरेडी रैक्स पे काफी सारा सामान रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे अगर मैं फ्रेम्स लगाती हूँ तो थोड़ा टू मच हो जाएगा ये वाला कॉर्नर। और दूसरी जगह है डोर के पीछे इस वाले वॉल पे, लाइक मिरर के जस्ट अपोजिट, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पुश पिंस लगा दिए हैं। लेट्स सी कैसा लगता है यहाँ पे।
ये फ्रेम मैंने एक लाइन के नहीं लगाया, ऊपर नीचे करके लगाया। वैसे तो अच्छा लग रहा है बट ऊपर नीचे लगाने का एक रीजन था, सेम लाइन पे ना हो नहीं रहा था, लाइक ऊपर नीचे हो रहे थे फ्रेम्स। और मेरे इंजीनियर साहब तो है नहीं, अब वही करते हैं ये सब की बिल्कुल एक लाइन में लेवल होना चाहिए, तो वो लेवलिंग हो नहीं रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि ये बेस्ट तरीका होता है कि जब आपसे लेवल नहीं हो रहा है ना, वैसे ऊपर नीचे कर लो, देखने में भी डिफरेंट लगता है, अच्छा लगता है और वो वाली टेंशन भी नहीं रहती। तो जब आएंगे तो देखूंगी एक लाइन में भी लगा के कि कैसा लगता है, बट ये वाली जगह सही हो गई है ना। फिर चारों तरफ कुछ ना कुछ हो गया, ये फ्रेम हो गया इधर, यहाँ पे हमारा शावर एरिया, यहाँ पे कुछ एक स्टोरेज, और ये यहाँ पे अच्छा लग रहा है ना, देखो मिरर में भी रिफ्लेक्शन आ रहा था, अच्छा लग रहा है ये डन। और यहाँ वॉल पे कुछ स्क्रूज लगे हुए हैं, तो अनु जाएंगे तो ये निकलवा दूंगी। तो हमारा छोटा सा बाथरूम ऑर्गेनाइज भी हो गया है और डेकोरेट भी हो गया है। तो डेकोरेट होने के बाद ना बाथरूम एक्चुअल में रेस्ट रूम बनता है, कि बच्चों से छिपके अगर आपको दो पल गुजारने हैं तो इस तरह के सजे हुए वॉशरूम में बैठो तो अच्छी वाली फीलिंग आती है, अच्छी सी कैंडल की खुशबू आ रही हो, ग्रीन ग्रीन प्लांट्स दिख रहे हो और ऐसे ब्यूटिफुल फ्रेम्स दिख रहे हो, तो वक्त अच्छा गुजरेगा ना। ये भी तो घर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, माओ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कौन कौन बच्चों से छुप के कभी कभी चला जाता है बता रहा मुझे, ये हर एक घर में होता है, आई एम श्योर आप लोगों में से भी काफी लोग करते होंगे। ये शकीर्ष सोने जा चुके हैं, अभी मैं बस स्किन केयर करूंगी, मेरा स्किन केयर कुछ ज्यादा होता नहीं है, रात को बस फेस वॉश करके नाइट क्रीम लगा लेती हूँ, दैट्स ऑल। और अभी मैं थोड़ा चिल करने वाली हूँ, नेटफ्लिक्स पे कुछ देखने वाली हूँ और फिर अनुज से भी बात करूंगी। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये छोटा सा बाथरूम का ऑर्गेनाइजेशन और डेकोरेशन अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे देना, सब्सक्राइब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, keep smiling and as always keep making lots of wonderful memories, relax, breathe, soak na bhi karo, relax aur breathe zarur karte rehna, bye. I fell in love with your colors, they kinda tell me what I'm thinking, I fell in love with the way we are.